देखिए आज ही हम लोगों ने सरकार की तरफ से बाल महिला बाल विकास मंत्री ने अपनी स्टेटमेंट दी। जब भी सरकार डरती है, जब भी सरकार को इनको लगता है कि ये फेलियर है, तो अपने मंत्रियों को बिल से निकालते हैं। ये सरकार जो है भगोड़ा सरकार है, जो विपक्ष से डरती है, जो सदन में आने से डरती है, जो सदन में आके विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने से बचती है, भगौड़ों की तरह भागती है। हमारा सिंपल सा सवाल था, सिंपल सी डिमांड है कि प्रधानमंत्री सदन में आए। हमारी सिंपल सी डिमांड है कि हम फर्स्ट आइटम 267 राज्यसभा में और एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा में मणिपुर हिंसा पे चाहते हैं कि बहस हो, फर्स्ट आइटम। क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है, लगभग 80-85 दिनों से लोग तो कहते हैं कि 23 अप्रैल को जिस दिन हाईकोर्ट का फैसला आया, उस दिन से ही वहां पे हिंसा हो रही थी। हम चाहते हैं इन सवालों का जवाब सदन के भीतर आके प्रधानमंत्री दे, होम मिनिस्टर जवाब दे। आखिर ये हिंसा 90 दिनों से हो रही थी, क्या इनपुट जो है आपकी जो गुप्त एजेंसियां हैं, क्या होम मिनिस्टर को भी इसकी जानकारी नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी? क्या मुख्यमंत्री को भी उनके प्रदेश में हिंसा लगातार 80-85 दिनों से हो रही है, उनको जानकारी नहीं थी? क्यों छिपाया गया? क्या आप सदन के भीतर आके ये कहेंगे कि क्यों छिपाया गया, किस लिए छिपाया गया? क्या प्रधानमंत्री आके सदन में जवाब देंगे कि क्या आपकी सरकार फेलियर थी? क्या आप ये जवाब सदन के भीतर देंगे कि आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो दो महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनके शरीर को असम्मानित किया जा रहा है, मांस को नोचने जैसे एक राक्षसों की तरह जो बिहेव हो रहा है, और सीएम कह रहे हैं कि ऐसे 100 FIR और घटनाएं होंगी, क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी? हम लोग की सिंपल डिमांड है और अनफॉर्चुनेट है कि ये लगातार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब एक स्टेटमेंट दी, वो भी सदन के बाहर, तो उसमें पहले राजस्थान की बात, छत्तीसगढ़ की बात, हम नहीं कह रहे कि हम रेप के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, उनके साथ दुख नहीं है। आज की तारीख में क्या वो सिंपल तरीके से ये नहीं कह सकते थे कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम उनके सम्मान के साथ हैं, और जो मणिपुर में हिंसा लगातार 90 दिनों से हो रही है, उसका मैं जवाब देने के लिए सदन के भीतर तैयार हूँ। हम लोग की सिंपल सी ये डिमांड है। और मुझे लगता है, मैं खासकर इनकी महिला बाल विकास मंत्री साहबा को बोलूँगी, जिन्होंने आज उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये बॉर्डर इलाका है, वियतनाम का बॉर्डर है, वहाँ से ड्रग्स की भी बहुत सारी स्मगलिंग होती है, 90 दिन से हमारे बॉर्डर इलाके में हिंसा हो रही है, तो क्या इसका जवाब सदन के भीतर सरकार को नहीं देना चाहिए? आपकी सरकार भगौड़ों की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ऊपर से अपने मंत्रियों को बिल से निकालते हैं। अरे मंत्री को भी बुलवाना है तो सदन के भीतर बुलवाइए। बाहर में मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को जिस तरह से नोचा गया है, उसके लिए आपको एक शब्द भी बोलने का ऑर्डर नहीं है, तो निश्चित तौर से जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, आपको उस पार्टी को नालक माननी चाहिए और अपने पद से आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए।